एक शहीद के पिता की अपील जो आज उसने देश के हर माँ बाप से की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो जेपी निराला को शांतिकाल के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया है। शहीद गरुड़ कमांडो जेपी निराला को शांतिकाल के सबसे बड़े वीरता सम्मान मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। शहीद निराला की पत्नी ने राष्ट्रपति से यह सम्मान हासिल किया। जिस जांबाज बेटे को सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भावुक हो गए, उस शहीद के पिता ने जी न्यूज के जरिए देश से अपील की है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को देश की सेवा करने के लिए सेना में भेजे। जवानों को नमन। ज्योति प्रकाश निराला, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, उनकी बहादुरी के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए उनके पिता मौजूद हैं। इस दुख की घड़ी में सर, हम और पूरा देश आप लोगों के साथ है। आज पूरा राष्ट्र उनको याद कर रहा है। अशोक चक्र मिला है क्या? मैं तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्र को नमन करना चाहूँगा, क्योंकि एक वीर बाप के वीर सपूत को वीरता का पुरस्कार मिला है। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित हुआ हूँ। और मुझे तो दुख है, क्योंकि वो मेरा एक लौता बेटा था और वही मेरा एक सहारा था, लेकिन देश के लिए कुर्बानी दिया, इसके लिए हमें गर्व है। जिस तरह से उन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन किया है एनकाउंटर के दौरान, जिस तरह से आतंकियों को मार गिराया है, घर में भी बातचीत होती होगी, उनका जज्बा देखने को मिलता होगा, बातचीत आपसे होती होगी। जब ऑपरेशन ड्यूटी में जब वो गया था बाप, तो उसके बाद में तो बहुत कम बात करता था, वो ज़्यादा तो बिजी रहता था। तो कभी कभी हमने समाचार ले लेते थे, थोड़ा हल्का फल्का बात होता था, केवल क्या समाचार है, ठीक ठाक है ना, बस। फिर बोलता था कि पिताजी बाद में बात करेंगे, पूरी बात हो नहीं रही थी। और हमने ज़्यादा अपनी बहू सुषमा से फोन करके बात कर लेता था, क्योंकि उससे वो एक बार जरूर डेली बात करता था, इसीलिए हम सुषमा से बात करके संतुष्ट हो जाते थे, उससे विशेष बात करने की हम ऐसी परिस्थितियों में निडरता और इतनी बहादुरी दिखाना बहुत कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि देश उनको याद कर रहा है, आज राजपथ में भी याद किया गया। इस जज्बे को किस तरह से आपने उनको बचपन से ही उनके साथ उनको बढ़ाया और उनको सपना एक पूरा किया? इसका तो जज्बा था बचपन से ही था, और उसको शौक था फौज में आने के लिए, बचपन से ही शौक था, उसका लगन था। और हमने अभाव की जिंदगी जीते हुए भी उसको पढ़ाया लिखाया, और अंतोगत तो उन्होंने 5 सितंबर 2005 को उन्होंने एयरफोर्स की नौकरी ज्वाइन कर दिया। तो उनका सपना था एयरफोर्स में जाने का? उनका सपना था, हाँ, उनका एयरफोर्स का सपना तो पहले से था, वो फौज का सपना था, किसी फौज में हम जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। तो संजोग बस पहली बार फौज के लिए सिलेक्शन में गया और सिलेक्ट हो गया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दुख की घड़ी है, आप लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो साहस, क्योंकि साहस चाहिए बोलने के लिए भी इस परिस्थिति में, फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि देश के, क्योंकि तमाम आर्म फोर्सेस के सैनिक हैं जो लड़ते हैं सीमा पर, किस तरह से मनोबल बढ़ाना चाहेंगे उन तमाम लोगों का? हम पूरे भारत के बच्चों के माँ बाप को तो यही कहना चाहूँगा कि जब बच्चा जन्म दिया है धरती पर हम लोग, तो सबसे पहला हमारा देश है, देश की सेवा करते हुए और सभी काम को निपटाना आवश्यक रूप से बनता है, हम लोग को जिम्मेदारी है। चूँकि देश हमारा रहेगा सुरक्षित, तभी हम पूरे देशवासी सुरक्षित रह पाएंगे। और इसके लिए जो हमारी सरकार है, जो हमको वीरता का पुरस्कार दिया है, इसके लिए हम उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी हर एक परिस्थितियाँ में
या आगे भी हमारी सरकार जो है वो सहायता प्रदान करेगी, और जो एयरफोर्स भी है वो अपने तरफ से हर तरह से सहायता मुहैया करा रहे, जितना बन रहा है हम उसे संतुष्ट हैं। अंतिम सवाल आपसे, कुछ किसी और तरह की सहायता आप जाना चाहते पाना चाहते हैं सरकार से कुछ खास? अब इसके लिए आगे हम नहीं कहेंगे, सरकार हमारे लिए क्या सोचती है क्या करती है जी, अब तो अपनी हमारी समस्या है वो हम पूरी तरह से सरकार समझेगी। चूँकि एक बात वही है कि मेरा जो बेटा था जी जी। वही एक सहारा था जी जी। मेरा इकोनॉमिक कंडीशन एकदम मिसरेबल है जी जी। हाँ, तो वही एकमात्र बेटा था, वही सहारा था, और आगे सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे भी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। ज्योति प्रकाश निराला के पिता जो कह रहे हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, और तमाम देशवासियों से भी यही वो निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अपने अपने बेटों को आप भी फोर्सेस में भेजिए, सेना में भेजिए। एक गर्व का क्षण भी होता है एक पिता को जब बेटा बहादुरी दिखाता है, सीमा पर दुश्मनों से मुकाबला करता है, तो यही देशवासियों से अपील है और सरकार से भी की मदद के लिए वो आगे आए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।